5, 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि प्रशासन और प्रबंध चलाने में कार्यकुशलता का बहुत अधिक महत्व होता है। यद्यपि यह विज्ञान का युग कहा जाता है, परंतु मेरी राय में कुछ अर्थों में तो यह प्रबंध का युग है। इसलिए प्रशासन के इस भाग को आजकल अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत में हमने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। देश के बड़े आकार के कारण ये सभी योजनाएं बड़ी विशाल हैं। मेरे विचार में भारत की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि चारों तरफ कार्यकुशलता कैसे बढ़ाई जाए। प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी समझ में कुल मिलाकर हमारे कार्यक्रम अच्छे ही हैं, परंतु हम उन कार्यक्रमों को ठीक तरह पूरा नहीं कर सके और यही कारण है कि प्रायः हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए। आवश्यक बात यह है कि सही आदमी को सही काम पर लगाया जाए। मैं समझती हूँ कि इसमें असफलता का एक कारण तो यह है कि सरकार के पुराने ढर्रे में विशेष योग्यता प्राप्त नहीं की जाती थी, या यूं कहिए कि किसी विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यह समझा जाता था कि एक आम प्रशासक सभी काम कर सकता है। अब हम अपने अनुभव से यह सीखे हैं कि कुछ लोग तो बहुत ही प्रतिभाशाली और योग्य होते हैं, जो कोई भी और कितने भी काम बराबर सफलता से कर सकते हैं, परंतु बहुत से ऐसे काम होते हैं जो वह नहीं कर सकते। हमने यह देखा कि इस कारण से सरकार में और सरकार के बाहर भी हमें हानि उठानी पड़ी। जहां तक भारत में प्रशासकों और प्रबंधकों का संबंध है, प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि उन्हें ज्ञान और अनुभव हो, यह भी जरूरी है कि वे हर समय परिवर्तन लाने को तैयार रहें। समाज बदल रहा है और एक तरह से तो हर समाज में परिवर्तन होता ही रहता है। समाज इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि हर पीढ़ी के अपने नए विचार होते हैं। भारत के बारे में तो यह बात और भी लागू होती है, क्योंकि अभी भी हम जागीरदारी व्यवस्था से निकलने और अगला कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कदम चाहे कोई भी हो, हमने इसे उठाया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में भारत अभी युवावस्था में है। हम में से जो माता या पिता हैं, वे जानते हैं कि किशोरों से व्यवहार करते समय क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। गणराज्य भी अब अपने जीवन के 53 वर्ष पूरे कर चुका है और युवावस्था से गुजर रहा है। इस अवस्था में यदि आप मार्गदर्शन न करें तो किशोर किशोरियों में रोष पैदा हो जाता है।
परंतु यदि आप सलाह दें तो और भी अधिक रोष पैदा हो जाता है। आपको ऐसा रास्ता निकालना है कि उन्हें मार्गदर्शन भी मिल जाए और इसका आभास भी न हो। यह मार्गदर्शन बड़ी चतुराई से किया जाना चाहिए और हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए लोगों की नब्ज टटोलकर यह पता लगाना चाहिए कि उनकी अगली आवश्यकताएं क्या हैं और किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। साफ है, हम सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, परंतु यदि हमें उन्हें समझा दें कि हम ईमानदारी से आपकी समस्याएं हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जनता धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती है और प्रतीक्षा की अवधि में जो कुछ आवश्यक हो करने को तैयार हो सकती है। उदाहरण के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र के विवाद को लीजिए। अब मेरी राय में इन दोनों में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और ये दोनों जितना साथ रहकर मिलजुल कर काम करेंगे उतनी ही कुशलता से काम कर सकेंगे। ऐसे बहुत से पूरे के पूरे क्षेत्र हैं जिन्हें निजी क्षेत्र धन या साधनों की कमी के कारण अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मुझे इस बात में कोई तुक नजर नहीं आती कि सारा धन तो सरकार दे और सारा लाभ कोई और उठाए। यदि कोई व्यक्ति अपने साधनों से कुछ कर सकता है तो कोई उसे ऐसा करने से रोकना नहीं चाहता। उसे आगे बढ़ना चाहिए और इसमें हम उसकी यथासंभव सहायता करेंगे। परंतु और भी कई बड़े बड़े काम ऐसे हैं जिन्हें सरकार ही चला सकती है। सरकार पहले से ही निजी क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों का समुचित उपयोग कर रही है। यदि हम देखते हैं कि कोई आदमी किसी काम के लिए उपयुक्त है तो हम उसका सहयोग लेना चाहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय अनेक देशों से आए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का मैं इस प्राचीन नगर में स्वागत करती हूँ। वाराणसी नगरी में पिछले 3000 वर्षों में परिवर्तन अवश्य आए हैं, फिर भी यह हमारी निरंतरता का प्रतीक है और प्रत्येक भारतीय के हृदय में इसके लिए विशेष स्थान है। हमारी परंपराओं का यह एक प्रमुख केंद्र है, किंतु परंपरा क्या है? महात्मा बुद्ध ने जब इस क्षेत्र में उपदेश दिया था वह परंपरा के बारे में नहीं किंतु समाज में क्रांति लाने के बारे में।